से मर्तबा आला है आदिल शाह का, फजल हक से मर्तबा आला है आदिल शाह का। पंजतन से खून का, पंजतन से खून का रिश्ता है आदिल शाह का। पंजतन से खून का रिश्ता है आदिल शाह का, पंजतन से खून का रिश्ता है आदिल शाह का। फजल हक से मर्तबा आला है आदिल शाह का, पंजतन से खून का, पंजतन से खून का रिश्ता है आखिल शाह का। पंजतन से खून का रिश्ता है आखिल शाह का, पंजतन से खून का रिश्ता है आखिल शाह खुदा। आले नबी हैं और औलादे अली, हजरत हसनैन जाने फातिमा की शान भी। पैकरे हजरत अबू बकर उमर उस्मान भी, चार यारों की झलक है आपके अंदर बसी। गौसे आजम के नबीरा है बड़ा है मर्तबा, यानी बगदादी घराना कादरी है सिलसिला। शान है कर्नाटका की और है कुतुबे दकन, है मशायख और फुकरा का ये मरकज चनपटन। मुर्शिदे बरहक शरीयत और तरीकत के इमाम, है हकीकत मारिफत के आसमां माहे तमाम। खूब जाहिर हर किसी पर फौकियत है आपकी, साहिब कशफो करामत शख्सियत है आपकी। बाअकीदत ऐश ने की है रकम ये दास्तां, बाअकीदत ऐश ने की है रकम ये दास्तां। कर रहा हूँ चंद हैरत, कर रहा हूँ चंद हैरत, उन करामत का बयान। जिक्र है हैदर अली का और टीपू सुल्तान का, हर तरफ है खूब चर्चा जिनकी ऊंची शान का। बादशाह वक्त थे वो बादशाहत कर गए, काबिले तारीफ है ऐसी हुकूमत कर गए। थी निराली बात उस दौरे हसी पुर नूर की, राजधानी थी श्री रंगापटन मैसूर की। दरिया दौलत बाग नामी जो महल मशहूर है, था वही घर आज भी रौनक बड़ी भरपूर है। चनपटन से है बड़ी निस्बत मुरीदे खास है, यानी उनके पीर व मुर्शिद हजरत आकिल शाह हैं। है श्री रंगापटन में आज दोनों का मजार, भीड़ लोगों की रहा करती है जिस पर बेशुमार। ये मुरीदे खास ऐसे बंदा ज़ीशान है, ये मुरीदे खास ऐसे बंदा ज़ीशान।
बंदा है जीशान है, आलमी शोहरत मिली है, आलमी शोहरत मिली है, फख्र हिंदुस्तान है। अर्ज करता हूँ करामत हजरत आकिल शाह की, गौर से सुनिए जरा ये बात है उस वक्त की। हजरत टीपू के वालिद हजरत हैदर अली, राजा वडियर के यहाँ करते थे जिस दम नौकरी। आज भी मैसूर में मौजूद है उसका महल, खूबसूरत है बड़ा प्यारा यकीनन बेबदल। है बड़ी लंबी इमारत और बहुत ही पायदार, जिसके ऊपर काबिले तारीफ है नक्शो निगार। नौकरी तो थी बजाहिर राजा के दरबार में, हाँ मगर शाही झलकती आपके किरदार में। बात आती जब कभी भी अजमत व तौकीर की, खूब तारीफें किया करते थे अपने पीर की। काफी दिन से सुन रहा था किस्सा है जाहो जलाल, काफी दिन से सुन रहा था किस्सा है जाहो जलाल। एक दिन राजा को आया, एक दिन राजा को आया आजमाने का ख्याल। उसने सोचा हम भी दावत पर बुला कर देख लें, कितने काबिल पीर हैं ये आजमा कर देख लें। एक कासिद को बुला कर एक पर्ची दी गई, इस तरह राजा की जानिब से खबर भेजी गई। एक नजर कासिद पे डाली मुस्कुराया आपने, खैरियत पूछी मोहब्बत से बिठाया आपने। जानते थे माजरा सब सैयदी आले रसूल, बाखुशी राजा की दावत आपने कर ली कबूल। अलगरज जब आपकी आमद महल में हो गई, बैठने के वास्ते तब गर्म कुर्सी दी गई। थे बहुत से लोग मंजर था बड़ा हैरत असल, मुस्कुराया आपने सारा तमाशा देख कर। बैठने से पहले ही ऐसी करामत हो गई, करामत हो गई। गर्म कुर्सी बाय से, गर्म कुर्सी बाय से अमनो सलामत हो गई।
जिक्र करता हूँ यहाँ से अब टीपू सुल्तान का। कदरदा है हर कोई उस नेक दिल इंसान का। बाशरा थे नेक सीरत और मस्जिद के इमाम, जिसमें करते थे इमामत मस्जिद आला है नाम। है बहुत सी आज भी जाहिर करामत आपकी, अहले हक पर खूब रोशन है विलायत आपकी। पड़ती रहती है मजारे पाक पर नूरी किरण, देखना हो देख लो जाकर श्री रंगा पटन। हौसला था इस कदर मजबूत एक चट्टान थे, जंग अंग्रेजों से की है शेर हिंदुस्तान थे। दुश्मनों को घेर कर जिस वक्त मारा आपने, बच सका ना एक भी बस चीर फाड़ा आपने। देशभक्ति देश की खातिर शहादत आपकी, देशभक्ति देश की खातिर शहादत आपकी, देशभक्ति देश की खातिर शहादत आपकी। याद आएगी हमेशा, याद आएगी हमेशा बादशाहत आपकी। याद आएगी हमेशा बादशाहत आपकी, हजरते टीपू के बचपन का सुनो एक वाकया। देखिए कैसे करम होता है आकिल शाह का। एक दिन बैठे हुए थे चाहने वालों के साथ, देखते ही देखते ऊपर उठाए दोनों हाथ। फिर अचानक हाथ से पानी टपकने लग गया, हर बशर ये देख कर हैरान होकर रह गया। पर किसी ने पूछने की आपसे हिम्मत न की, इस तरह ये दास्तां एक राज बन कर रह गई। तीन दिन के बाद आए हजरते हैदर अली, फिर उन्होंने बात सारी इस तरह से पेश की। हो गया था एक दिन एक हादसा बिल्कुल अजीब, गिर गए पानी में टीपू डूबने के थे करीब। गिर गए पानी में टीपू डूबने के थे करीब। गैब से आई मदद जलवा दिखाया आपने, गैब से आई मदद जलवा दिखाया आपने, गैब से जलवा दिखाया आपने। डूबने से प्यार टीपू, डूबने से प्यार टीपू वो बचाया आपने। डूबने से प्यार टीपू वो बचाया आपने, डूबने से प्यार टीपू वो बचाया आपने। चनपटन की एक नदी जादी का सुनिए वाकया, है बड़ा हैरत असर दिलचस्प सारा माजरा। थी यकीनन नेक औरत बासिफत परहेजगार, सैयदा थी हाजिया थी और निहायत दीनदार। वो नमाजों और रोजों की बड़ी पाबंद थी,
थी औलिया की चाहने वाली अकीदतमंद थी। हक परस्ती साफ गोई हर घड़ी सेवा रहा, उनकी सीरत और आदत का बड़ा चर्चा रहा। बेकसो मजबूर की गमखार दिल की साफ थी, हर जबां पर तज़करा है साहिबे इंसाफ थी। एक दिन आई वो आकिल शाह के दरबार में, बाअदब फरियाद यूं करने लगी सरकार में। बाअदब फरियाद यूं करने लगी सरकार में, आप करते हो करम सब पर सखी दरबार है। आप करते हो करम सब पर सखी दरबार है। आप करते हो करम सब पर सखी दरबार है। हमको भी औलाद की, हमको भी औलाद की खातिर दुआ दरकार है। हमको भी औलाद की खातिर दुआ दरकार है। हमको भी औलाद की खातिर दुआ दरकार है। फिर वहाँ से सैयदा बीबी के घर जाने के बाद, माजरा ऐसा हुआ कुछ दिन गुजर जाने के बाद। एक दिन तशरीफ लाए आप उनके ख्वाब में, देख कर खुशियाँ उमड़ आई दिले बेताब में। चार टुकड़े एक रोटी के अता करने लगे, और ज़बाने पाक से ये बात फरमाने लगे। रब की जानिब से मिलेगी खास रहमत आपको, चार शहजादों की देता हूँ बशारत आपको। अलगरज इनके करम से चार शहजादे हुए, मिल गई मन की मुराद अरमान सब पूरे हुए। चनपटन में चारों शहजादे अभी हैं बाहयात, पाई जाती है यकीनन उनके अंदर खास बात। पाई जाती है यकीनन उनके अंदर खास बात। दौलत और शोहरत है हासिल साहिबे किरदार हैं। दौलत और शोहरत है हासिल साहिबे किरदार हैं। दौलत और शोहरत है हासिल साहिबे किरदार हैं। खूब करते हैं सखावत, खूब करते हैं सखावत, कौम के गमखार हैं। खूब करते हैं सखावत, कौम के गमखार हैं। खूब करते हैं सखावत, कौम के गमखार है। बड़ी मशहूर आकिल शाह की दरिया दिली, डाल दी जिस पर नजर वो बन गया बेशक वली। सर झुकाते हैं यहाँ आकर शहंशाह जमन, फैज पाना है अगर आ जाओ शहरे चनपटन। जश्न संदल उर्स होता है बहुत उम्दा नफीस, है रबी उस्सानी की तारीख वो 1920। दे रहे हैं सदकाए हसनैन सबको आज भी, चाहने वालों की रखते हैं हमेशा लाज भी। है गुजारिश आपसे हर मोड़ पर रखना भरम, करते रहना हर घड़ी ताहिर के ऊपर भी करम।
24 दिन भी पीर है और सन 1441 की तहरीर है। तज़करा जो भी रकम है ऐशे आकिल शाह का, आकिल शाह का ये इनायत और करम है, ये इनायत और करम है ऐशे आकिल शाह का, ये इनायत और...